हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है थोड़ी लाइटिंग में गड़बड़ है, लाइट नहीं है, बारिश वारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, सो उसकी वजह से लाइट भी नहीं है। इमरजेंसी लाइट से मैं काम चला रही हूँ, तो सो प्लीज़ यार, अगर मेरी शक्ल गंदी लग रही है तो बुरा मत मानिएगा। ओके, चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? झंड जी की वीडियो है ये, गूगल से पूछऊ रजाऊ। अच्छा, वो जो खेसारी लाल भैया का गाना था, ठीक है, तो उस पर ये रोस्ट है। मतलब और भी सॉन्ग्स होंगे, लेकिन मेनली यहाँ पे ये सॉन्ग है, गूगल से पूछा रजाऊ, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, शिल्पी राज, झंड जी। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल से पूछा, ए गूगल, ये रंग कहाँ डाला जाता है बताइए जरा। अपनी गांड में दाल ले साले। वैसे ये क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी झंड जी की। दोस्तों, आ गया है मौसम डालने और डलवाने का। रंग रंग अच्छा हुआ बता दिया, कहियो के तो डालना शब्द सुन के अरमान जग गए थे। तो चलो ना यार, पूरे एक साल बाद एक बार फिर से होली में हड़कंप मचाने का शुरू करते हैं सफर, और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भसड। बलंदर, ये बलंदर का होता है बे? वही जो बिहार में बंद है। बिहार में कौन बंद है साले? वो तेरे काम की चीज नहीं है। मतलब? मतलब दारू। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। हाँ, ये है ना विकास के चरम सुख वाले। बिहार में शराब भले ही बंद है, लेकिन शराब के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। भोजपुरी का हर एक दूसरा गाना दारू शराब पर ही होता है। अच्छा, वो भी बिना किसी डिस्क्लेमर, बिना किसी चेतावनी के। अरे तो उसका रिजल्ट भी तो दिख रहा है। कैसा रिजल्ट? ये वाला। चार दिन जहरीली शराब से मत कीजिए भैया, भैया यहाँ निकाले के भैया। का करी ना? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी एक बार पूछा था कि भैया ये ठेकने ठेकवाने का क्या मतलब होता है, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, बट अभी तक किसी ने बताया नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि ठेकने और ठेकवाने का क्या मतलब होता है। ठीक है, दूसरी बात की देखी लबा की ठेकी ना। मैडम क्या दिखा रही हो, थोड़ा हमें भी दिखाओ। साले मैडम का ये पोजीशन देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि मैडम क्या दिखा रही हैं। ओ हाँ, वैसे भी मैडम के पास दिखाने के लिए दूसरा है भी क्या? अंजलि डूबिए जाइबा होई समुंदर। लगता है मैडम को किसी ने बताया नहीं कि ये होली का गाना है, इसमें रंग गुलाल और पिचकारी लेकर आते हैं, लेकिन मैडम समुंदर लेकर आ गई। अब जिसके पास जो चीज होगा वही लेकर आएगा। ये बात भी सही है। वैसे कोई नहीं, इस साल की होली में इन्हीं के समुंदर में रंग हो रही। ये हो काम की बात। देखो बस साले, अंदर डालने के लिए बंदर बनना जरूरी होता है। नहीं, अब जिसके अंदर डालने जाओगे वो पीट कर बंदर तो बना ही देगा तुमको। बंदर का पिछवाड़ा तुम्हारा मुंह एक जैसा लगेगा। वैसे भैया कितना अंदर वो भी बता ही देते।
नहीं मैंने पूछ रहे हैं। रंग से अंग ई भीजी ना कहे मैडम। अरे वो बंदर बन के अंदर न डालेंगे तो ऊपर से भीगा हुआ तो दिखेगा नहीं। अरे भैंस चोर चुम करो चुम करो, चाइना वाला माल नहीं ना है। मुझे तो पहले से ही पता था, देखो मैंने कहा ना चाइनीज माल है। नहीं नहीं प्योर देसी माल है भाई। प्योर देसी है तो मरचाई नियन काहे लग रहा है। अच्छा रंग की बात कर रहा है। तो फिर तुझे क्या लगा? नहीं मैं समझा इस माल की बात कर रहा हूँ। अबे भाई तुम्हारा ध्यान साले हमेशा उल्टी सीधी जगह पे ही रहता है। नहीं नहीं उल्टी नहीं, ये वाली बिल्कुल सीधी है, ध्यान से देख। डाले खातिर बैठल बानी, यही तो है बेवकूफी। सही बात है, अरे डालना ही है तो खड़ा करके डालो। अबे साले। नहीं मेरा मतलब जिसके ऊपर डालोगे अगर वो गुस्सा होकर ईंट उठा लिया तो भागने में आसानी होगी ना, खड़ा होकर डालोगे तो। अरे बैठे काहे हो भैया, डालने आए हो डालो और निकलो यार, गजब आदमी हो। लंट कहीं के तो ये समस्या है, मैडम डलवा ही नहीं रही है तो भाई साहब डालें कैसे? वैसे डालना क्या है? रंग। रंग? अच्छा तो रंग भी कोई आकर कहेगा कि आओ डाल लो? देखो क्या है कि रंग अगर लगानी हो या फेंकनी हो तो आदमी कर भी लेवे, आदमी रंग लगा के या फेंक के भाग जाए, बट यहाँ क्या है रंग लगानी या फेंकनी नहीं है, रंग डालनी। डलवाने वाला अगर तैयार हो तभी तो डालने वाला डालेगा। ओ अच्छा। हाँ जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झा। वैसे हिया तनी गलीमत है, काहे से कि हिया भाई साहब को सिर्फ डालना है। हाँ, तो प्रॉब्लम तनी कम है, इनसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इस भाई को है। इस भाई साहब को सिर्फ डालना नहीं बल्कि अंदर तक डालना। ए भैया तो प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। देख रहे हो 25 साल हो गया भाई साहब को गाना गाते हुए, बट आज तक समझ में नहीं आया कि रंग कहाँ डाला जाता है, कभी अंदर डाल दे रहे हैं कभी कबूतरा रंग दे रहे हैं। देखो कबूतर रंगेंगे वो भी मैडम का। मैडम के पास कौन सा कबूतर है, अरे कल्लू बाबा का तोता रंगना हो तो बताओ। हे भगवान। गूगल ही तो बताएगा अब। अभी को की हो एकदम कानू वाली बात। अच्छा समझाओ बंदे को, कभी कबूतर रंग रहा है कभी अंदर डाल रहा है, मतलब कुछ भी। उसको बताओ कि अंदर डालने से पहले गूगल से पूछ ले कहाँ डालना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे तूने पूछा था। गूगल ने क्या जवाब दिया है? रंग कहाँ डाला जाता है बताइए जरा। अपनी गांड में डाल ले साले। यार बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर सकते हो, क्या हुआ कोई नहीं देख पाएगा तो मैं तो देखूंगा ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करना जरूर, बाय। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। देखो मैंने भी ये सारे सॉन्ग्स पर रिएक्शन किया है, ठीक है, और हर बार मैं यही कहती हूँ कि मतलब थोड़े से जो राइटर्स हैं ना वो थोड़े से अगर डिसेंट लिरिक्स लिख देंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा उनका, ठीक है। एंड मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिंगर्स भी अगर गाने से पहले, गाना गाने से पहले एक बार राइटर्स को बोलेंगे कि आप थोड़ी ढंग की लिरिक्स लिख दीजिए,
तो राइटर क्यों लिखेगा ऐसे ऐसे लिरिक्स, है ना? लाइक गूगल से पूछो रजो रंग कहाँ डाला जाला। भाई गूगल तुम्हें बैठ के बता रहा है कि रंग कहाँ डालना है तुम्हें, और रंग डाला नहीं जाता है, रंग लगाया जाता है, है ना? हो भाई तो कुछ का कुछ लिरिक्स राइटर बना देते हैं, सिंगर्स उन्हें गा देते हैं, और ऐसे ही ट्रेंड चलता रहता है और हमें ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो ये रोज तो बस जस्ट फॉर फन था, ठीक है? तो इसे दिल से ना लगाएं, ठीक है? बस एक मजाक की तरह देखें, हंसे और भूल जाएं। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।